पहले हम लोग पेरेंट्स जितना भी यहाँ पे विक्टिम पेरेंट्स हैं उसका साथ में बैठ के हम लोग डायरेक्टर सर का साथ में एक छोटा सा अपना तरफ से आप सबका बिहाफ में एक मेमोरेंडम सबमिट करेगा यहाँ पे डायरेक्टर सर को। वो हम लोग का मेमोरेंडम में 5-6 पॉइंट है, खासकर जो क्लास 10 का स्टूडेंट्स जो यहाँ पे है हॉस्टल में बैठ के जितना भी जो जो बच्चा लोगों को मारने में जिसका भी सीनियर स्टूडेंट्स का हाथ है वो सबको हम लोग रेस्ट्रिगेट करने के लिए बोला है हॉस्टल से। उस लोग का क्लास 10 का एग्ज़ाम वो लोग बाहर से आकर दे सकता है लेकिन हॉस्टल में अलाउड नहीं करेगा, उस लोगों को फर्स्ट पॉइंट ये रखा है। और सेकंड पॉइंट में ऐसा है कि एक रेजुलेशन पेरेंट्स और हम लोग आपसू और साथ में ये यहाँ का जो अथॉरिटी हो गया उसका साथ में एक रेजुलेशन कि कल को ऐसा फिर से ऐसा अगर इंसिडेंट ऐसा होता है तो उसमें इमीडिएटली एक्शन लेने के लिए जो स्टूडेंट्स जो भी इसमें इन्वॉल्व रहता है। एंड थर्ड पॉइंट हो गया, डायरेक्टर सर को एक रिक्वेस्ट किया है कि यहाँ पे आपका नज़दीक पे ही बच्चा लोगों को इतना साल से आज सुना है तो साल से ये टॉर्चर जो फिजिकल असॉल्ट जो चल रहा है वो इतना साल से चल रहा है तो उसको लेकर एक कोऑर्डिनेशन हमेशा टाइम टू टाइम प्रिंसिपल सर के साथ में हो या बच्चा के साथ में वार्डन के साथ में बैठ के हॉस्टल का जो 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 भी चीज़ वहाँ पे है उसका कंटिन्यूसली बातचीत करने के लिए। और थर्ड पॉइंट जो जितना सुनाई दिया यहाँ पे जितना पेरेंट्स लोग का बात है और स्टूडेंट्स लोग से जो बात हुआ है कि यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ है खासकर जो स्पोर्ट्स पर्सन हम लोग का यहाँ पे वेरियस स्पोर्ट्स पर्सन जितना हो गया तो उस लोग को खाना पीना जो डाइट जो होता है उस लोग का एक स्पोर्ट्स पर्सन को एक डाइट ही उसका मेन वो होता है जो उस लोग का हेल्थ को देता है डेवलपमेंट के लिए, लेकिन उसमें बहुत कमी गतियाँ है। तो इसलिए आज हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेमोरेंडम में दे रहे हैं कि फैसिलिटीज़ जो खाने पीना का डाइट जो हो गया उसको इम्प्रूव करने के लिए। और नॉट ओनली इन दिस पार्टिकुलर चेम्पू ऑल के जो मियाओ में भी जो स्पोर्ट्स जो एकेडमी है वहाँ में भी सेम रैगिंग, आज एक पेरेंट्स आया है वहाँ में भी सेम रैगिंग का प्रॉब्लम है। तो हम लोग भी यहाँ से अभी डायरेक्टर स्पोर्ट्स को हम लोग यही बोलना चाहेगा कि वहाँ पर अगर इस प्रकार का अगर चल रहा है तो उसको थ्रोली इन्वेस्टिगेशन करके वहाँ पे अगर कोई भी अगर वार्डन जो भी है उसको हटाने के लिए। और आप हम लोग का आपसों का और एक मांग ये है कि जो भी प्रिंसिपल है वार्डन है उसको इमीडिएटली टर्मिनेट करने के लिए। अगर इसमें डायरेक्टर सर भी फेल होता है तो हम बोलते हैं कि मॉरली ग्राउंड उसका नाक का नीचे इतना कुछ चल रहा है तो वो भी कुछ मॉरल ग्राउंड में एक्चुअली रेजिग्नेशन देना चाहिए अपना। और साथ ही साथ पेरेंट्स लोग भी बहुत दुख है आज जो भी हम लोग का बच्चा लोग का साथ में हो रहा है तो वो लोग भी अपने इंडिविजुअल वे से केस करेगा और इसको कल को जो भी अपडेट होगा। सो हम लोग का यहाँ स्पोर्ट्स सेक्रेटरी है, जेंटल मोसू है, तादक बांग है, वुमेन विंग टीम लोग है, सोंग अच्छी लोग है। सो हम लोग साथ में रहकर कल को एक राउंड टेबल मीटिंग बैठेगा गवर्नमेंट के साथ में और चाहेगा कि जल्द से जल्द यहाँ पे जितना भी हम लोग का जो आज मेमोरेंडम सबमिट करेगा वो जल्द से जल्द खत्म आने के लिए रिजॉल्व होने के लिए या पेरेंट्स लोग तो अपना और से जितना उन लोग का सेंटीमेंट देख रहे हैं वो डेफिनेटली वो लोग अपना इंडिविजुअली कुछ कुछ जैसा FIR दर्ज करना है जो बच्चा जिसका बहुत विक्टिम हुआ है तो उसका और से वो लोग डेफिनेटली वो करेगा। और एट द सेम टाइम हम लोग का तरफ से ये भी हम लोग बोला है कि जो बच्चा अभी मेडिकल में एडमिट होकर बैठा हुआ है और जो ट्रीटमेंट में जो चोट उट लग कर बैठा हुआ है उसको गवर्नमेंट का थ्रू से कंसर्न अथॉरिटी का थ्रू से जल्द उसको कंपनसेट करने के लिए ताकि उसका जो मेडिकल एक्सपेंसेस है उसको बेयर कर सकने के लिए। सर जो विक्टिम्स है जो स्टूडेंट्स है जिनको मारा गया वो स्टूडेंट्स लोग तो काफ़ी नाराज है, वो अभी अपने हॉस्टल क्लास भी जाने के लिए भी नाराज है और वो जाना भी नहीं चाह रहे हैं। तो अभी अब जो आउटकम्स और जो पॉइंट रख रहे हैं क्या बच्चा लोग उस पर सुविधा मतलब बच्चा लोग उस पर थोड़ा भरोसा होगा कि और क्या लगता है कि बच्चा लोग अभी भरोसा नहीं किया जा सकता है कि अभी जो आप लोग जो कोइन रख रहे हैं और जो वापस जाने के लिए भी वो थोड़ा डर के बैठ रहे हैं उसको किससे किस प्रकार से भरोसा दिलाएंगे जो विक्टिमाइज है। देखिए ये मेंटली जो टॉर्चर होता है उसको तो हम लोग भी नहीं बोल पाएगा लेकिन हम लोग का और पेरेंट्स का तरफ से अभी जितना पेरेंट्स लोग का बात सुना है दे ऑल आर वेरी कंसर्न कि अपना बच्चा को काउंसलिंग करेगा घर में जाके और जो हॉस्टल में रह रहा है वो बच्चा लोग को भी एंड पेरेंट्स लोग को भी हम लोग का और से इतना आश्वासन देना चाहूँगा कि देखिए हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी जो चला गया वो रिपीट ना हो बोल के हम लोग यहाँ पे जो जो भी चेंजेस लाना है हम लोग ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे। जैसा कि अभी बोला कि CCTV हो गया तो हम लोग चाहेगा कि जो जो जहाँ जहाँ हॉस्टल है वहाँ पे CCTV और वार्डन जो नहीं था जो उसको भी 4 रेगुलर वार्डन लगाने के लिए अपॉइंट करने के लिए ताकि मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग एंड नाइट टाइम को वो लोग ड्यूटी कर सकने के लिए ताकि हमारा जो बच्चा है जूनियर स्टूडेंट्स जो है तो उस लोग को कुछ एटलीस्ट थोड़ा रिलैक्सेशन ये सब चीज़ से मिलने के लिए। सुनने में आया था कि ड्यूरिंग द बुलिंग वार्डिंग जो हमें मौजूद नहीं था और अब सीनियर्स लोग भी अल्कोहल कंज्यूम किया गया था किया करके था
तो उसको लेके, क्योंकि एक स्पोर्ट्स स्कूल है, नॉर्मल स्कूल भी नहीं है, स्पोर्ट्स स्कूल है, क्योंकि हेल्थ लोगों को मेंटेन करना पड़ता है। तो मैं चाहूँगा मेरा स्पोर्ट्स सेक्रेटरी उसको बताने के लिए। डेफिनेटली हाँ, आप जो बोला सवाल किया वो सही, बिल्कुल सही है कि जिस वक्त कल का जो इंसिडेंट हुआ था 11 बजे रात के ऑलमोस्ट 11 टू 12 के बीच में हुआ है सर कैम, तो उसी समय वार्डन नहीं था। वार्डन मेरे ख्याल से जो स्टूडेंट का कहना है, जो लड़का लोग उधर क्लास 6 स्टूडेंट का 7 स्टूडेंट का जो है जिन्होंने मार खाया है, तो उनका कहना था कि मतलब ये वार्डन जो नहीं है, वार्डन का इंचार्ज में जो स्टूडेंट को रखा गया था सर के, तो मेरा ख्याल से नहीं लगता, आई डोंट थिंक कि स्टूडेंट एक दूसरे को पैरेलल कर सकेगा सर के, तो इसमें कहीं ना कहीं वार्डन का ही मेरे ख्याल से जो है मतलब वो जितना भी बिहाइंड द सीन जितना भी था, अगर काश वार्डन रहता तो मेरे ख्याल से उनको नॉलेज में होता, क्योंकि वार्डन जहाँ रूम में बैठता है उनका उसका इसका कहता है कि स्पोर्ट जहाँ और जहाँ मारपीट हुआ है वो ऑलमोस्ट नज़दीक है, नेक्स्ट टू जैसे कि 10 मीटर और 5 मीटर्स के बाद वॉल जो है उसके अंदर में जो जिन्होंने झगड़ा किया है, जिन्होंने एसोल्ट किया है जो जूनियर को, उनका रूम बगल में था, अगर वहाँ कल अगर ये वार्डन रहता तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से ऐसा झगड़ा नहीं होना था। अगर होता भी, ये पहली बार नहीं हुआ है, ये पहले भी बुली हो चुके हैं बच्चे। हम अभी विक्टिम से बात करते हैं, उन्होंने कहा कि हफ्ते में कम से कम 3 दिन वो सीनियर्स ऐसा करते थे, और जबकि आपने कहा वार्डन जब सामने ही रहते तो वार्डन को अभी तो पता क्यों नहीं चला कि ऐसा हो रहा है। हाँ डेफिनेटली ये जो है जो चीज़ हुआ था शायद उसको हम तक पहुँचा नहीं था, लेकिन आज हमने खुद देखा है और क्या इतना एक्सट्रीम लेवल तक कुछ अभी तक मेडिकलाइज होकर बैठा हुआ है, जिनका ये फूल के बैठा कि अंदर का दांत निकल गया किसी का, और कुछ पेरेंट्स तो अपना बच्चा को लेकर चला गया सर के, तो तिल दिन जब तक ये कहते हैं माजरा सेटल नहीं होता है तब तक मेरे ख्याल से जो है स्कूल को जो है एकेडमी को जो है 1-2 दिन के लिए कम से कम एटलीस्ट बंद करके रखे, ताकि जो है पेरेंट्स भी आके जो है प्रॉपर क्या है क्या नहीं है माजरा क्या है उसको कंप्लीट कर सके। और एक छोटा सा मैसेज देना चाहेगा पेरेंट्स लोगों, देखिए आप लोग पेरेंट्स अपना बच्चा को जितना रेसिडेंटल स्कूल से या फिर स्पोर्ट्स एकेडमी जैसा हो गया जहाँ में हॉस्टल का हिसाब से बैठाता है, सो आपको अपना बच्चा को सिर्फ वहाँ पे एडमिशन कर दिया बोलकर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ ख़त्म नहीं है। आप इन दिनों देखता होगा कि मोलेस्टेशन केस भी कितना ज़्यादा है हमारे स्टेट पे, हर गर्ल्स हॉस्टल में हो या फिर बॉयज़ हॉस्टल में हो, प्रकार प्रकार का वहाँ में असॉल्ट देखने के लिए मिलता है। सो आपका भी ड्यूटी बनता है कि टाइम टू टाइम अपना बच्चा को काउंसलिंग करने के लिए। देखिए वहाँ पे सीनियर्स और स्कूल्स अथॉरिटीज भी कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा लोगों को डरा के रखते हैं कि तुम बताएगा तो तुमको हम सेमेस्टर में फेल कर देगा, तुम बताएगा तो तुमको हम पिटाई करेगा, तो उस प्रकार का जो मेंटल टॉर्चर होता है उसको पेरेंट्स लोगों को ही बच्चा लोग अगर पेरेंट्स लोग अच्छा से जब 2-3 दिन में अपना बच्चा लोगों को पूछताछ करेगा महीना महीना या वीक वीक में, तो डेफिनेटली बच्चा वो सब चीज़ को बताएगा। तो जब भी इस प्रकार का चीज़ होता है हम बोलते हैं कि पेरेंट्स लोग भी थोड़ा अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, बच्चा लोगों को टाइम टू टाइम काउंसलिंग कीजिए, पूछताछ कीजिए कि उसका हॉस्टल्स में खाना पीना कैसा है, उसका हॉस्टल्स में वार्डन कैसा है, उसका हॉस्टल्स का बेड सेट कैसा है, वहाँ का टीचर्स लोग कैसा है, वहाँ का प्रिंसिपल्स लोग कैसा है, तो वो सब चीज़ को पूछना भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, तब जाके वहाँ पे कुछ होता है। तो डेफिनेटली हम लोग आपसू लोग हैं, वेरियस ऑर्गेनाइजेशन है आप स्टेट में, आप सब जानते हैं, तो वहाँ में हल्ला करने के लिए डेफिनेटली सब लोग स्टैंड लेगा ऐसा करें। थैंक यू। आपका जो पॉइंट नंबर 2 था उसमें आपने कहा था कि जो अगली बार ऐसा हो तो उसमें इमीडिएट एक्शन लिया जाए, अपन लोग तो अभी ऐसा रूल बना देना चाहिए कि अगली बार ऐसा कुछ ना हो। यस, अगली बार नहीं होने के लिए आज ये रूल को अडॉप्ट कर रहे हैं, अगर ये पहले हुआ था तो पहले ही ये रूल को हम लोग अडॉप्ट करना था होगा, लेकिन हम लोगों भी आज जैसा आप सभी को आज खुलासा हुआ है वैसे हम लोगों भी आज खुलासा इसका हुआ है, तो इसलिए हम लोग भी चाहते हैं कि आने वाला दिन में ऐसा कुछ स्ट्रिक्ट कानून होना चाहिए और रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए कि जो भी पेरेंट्स आते हैं उसको भी ये पता होना चाहिए कि कोई बच्चा अगर ऐसा कर रहा है तो उसको मॉरल ग्राउंड या फिर उसको इस ये ख़राब किया है बोलकर उसको हटाया जा रहा है बोलकर। चलो।